Hello everyone, welcome back again. I am Professor Salim Mullah from PG Mosaic College of Engineering, Wagholi, Pune. In the last video lecture, we were seen about the quality assurance and quality control in construction process. Again, we have seen how to make the quality control plan or construction quality plan. We have seen it. Now, in this video lecture, we are going to start with what are the most common problems will arise during the constructions or observed and what can be done. So in the left hand side you can see problems, and in right hand side you can see what can be done. So let's start. Now first is problems: design drawings specifications not clear, not complete. Okay, now if the design is not proper, drawings are not showing clear, not clear scene, okay, specifications not shown clear and it is incomplete, then in that case what can be done? Okay, now in that case documents should undergo scrutiny. Yahan pe kya karna padega? Documents ki scrutiny karna padega by equally competent persons. Whatever the competent persons rahega, jo bhi experienced person rahega, wahan se unse kya kare, aap scrutinize kare, documents ko acche se check kare. Scrutinize means what? Check. Human errors are natural. Yahan pe hum kya karenge? Human errors, natural errors aise consider karke yahan se hum pure drawings ko check karna padega. Now next, no drawings at site. Okay, during the construction process, during the construction works at site, if there is no drawings at site, okay, then what we should be do? Okay, यहाँ पे भी हमें क्या होता है, क्वालिटी और क्वालिटी अश्योरेंस अचीव करने में प्रॉब्लम आ सकता है. कभी कभी ड्राइंग्स ही नहीं रहते साइट के ऊपर, तो डिले होने के चांसेस होते हैं. तो क्या करना चाहिए हमें? एलवेज कैरी द ड्राइंग्स. जिस साइट पे आप काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपके पास ड्राइंग्स होने चाहिए. यू कैन नॉट रिमेंबर एवरीथिंग, आपको हमेशा याद नहीं रहेगा. ठीक है, तो हमके क्या करना है, ऑलवेज यू नीड टू कैरी द ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ऑन और कंस्ट्रक्शन साइट. साइट इंजीनियर्स डू नॉट रीड द डॉक्यूमेंट्स. कभी कभी क्या होता है, डायरेक्टली साइट के ऊपर ड्राइंग्स होते हैं तो वो डायरेक्टली रीड ही नहीं करते, डायरेक्टली अप्लाई करते हैं और बाद में फिर टेंशन आता है उनको. तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि साइट इंजीनियर्स ऑलवेज कैरी द ड्राइंग्स एंड इट शुड बी रीड. ओके, डॉक्यूमेंट्स को रीड करना चाहिए उन्होंने. रीड रीड एंड रीड टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सपोज टू डू. क्या आपको करना है उसको तीन चार चार बार रीड करना है. आस्क द सीनियर्स, जो भी सीनियर्स वहाँ पे अवेलेबल है उनसे पूछिए, आर्किटेक्ट से पूछिए, डिजाइनर से पूछिए. इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड, अगर आपको कुछ ड्राॅइंग्स पढ़ने में दिक्कतें आ रही है तो आपके आर्किटेक्चर्स को पूछिए, सीनियर्स को पूछिए या डिजाइनर्स को पूछिए. ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है फिर से? नो साइट इंजीनियर एट साइट. अगर साइट इंजीनियर ही नहीं रहेगा साइट के ऊपर तो कॉन्ट्रैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहेगा. नाउ इन दैट केस कॉन्ट्रैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे सुपरविजन. अगर किसी वजह से साइट इंजीनियर नहीं रहेगा साइट के ऊपर तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर एक्ट करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा डे टू डे सुपरविजन की. मेक इट मैंडेटरी इन द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट. जो भी है, देखो क्वालिटी अश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल को अचीव करना है तो जो भी है वो डॉक्यूमेंटली आपको पहले ही कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर इंक्लूड करना है, जो भी आपके जो कुछ भी रूल्स रेगुलेशंस है. सो मेक इट मैंडेटरी इन द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट टू पोस्ट अ क्वालिफाइड साइट इंजीनियर. ओके, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए. गवर्नमेंट इंजीनियर्स चेक ऑन कॉन्ट्रैक्टर्स इंजीनियर. जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स के इंजीनियर हैं साइट के ऊपर, गवर्नमेंट इंजीनियर्स चेक करेगा एंड मॉनिटर इम्पोर्टेंट क्वालिटी एस्पेक्ट. जितने भी क्वालिटी एस्पेक्ट्स है उनको मॉनिटरिंग करना है. ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, इवन फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ वर्क्स एंड मटेरियल्स नॉट चेकड. अगर ऐसा होता है तो ये प्रॉब्लम्स होता है कि कभी कभी मटेरियल्स को भी चेक नहीं किया जाता है या फिजिकल पैरामीटर्स जो हैं काम करने के चेक किए नहीं जाते, तो उस टाइम पर क्या करना है? तो यहाँ पर चेकिंग ऑफ साइज, शेप, स्लोप, लेंथ, ब्रेथ, डेप्थ, वेट, वॉल्यूम, डायमीटर एट्सेट्रा एट्सेट्रा इज पॉसिबल, प्लीज़ डू इट. जहाँ पे आपको किसी पर्टिकुलर मटेरियल की, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की अगर साइज, शेप या स्लोप मेजर करना है, चेक करना है, लेंथ की, विड्थ की, डेप्थ की, वेट, वॉल्यूम, डायमीटर, तो जितना हो सके उतना आप क्या करें, वहाँ पर चेकिंग करें. ओके, नाउ
नेक्स्ट इज एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल टू बी डिटेल्ड इन द डॉक्यूमेंट्स. कुछ भी कभी कभी क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स में कुछ चीज़ें नहीं भी होती है, तो उस वक्त क्या करना है, मेक बेस्ट यूज ऑफ इंजीनियरिंग नॉलेज. वट एवर द नॉलेज यू हैव जस्ट यूज देयर ऑन साइट. अबव ऑल यूज कॉमन सेंस टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. ओके, वट एवर द प्रॉब्लम्स, ओके, ट्राई टू सॉल्व इट इन द कॉमन सेंस. सो यूज द प्रैक्टिकल नॉलेज, ओके, एंड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम एज फार एज पॉसिबल. नाउ नेक्स्ट इज पुअरली और नो रिकॉर्ड्स मेंटेन. कभी कभी क्या होता है कि काम तो करते हैं लेकिन रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं करते, या रिकॉर्ड होता है लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होता. तो ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड्स आर इम्पोर्टेंट फॉर मेनी रीजंस, पर्टिकुलर रीजंस, मेनी रीजंस के लिए रिकॉर्ड बहुत ज़रूर होता है. फॉर अकाउंटेबिलिटी पर्पस, फॉर फ्यूचर रेफरेंस पर्पस, फॉर इम्प्रूवमेंट पर्पस, एंड फॉर सो दैट वी नीड टू कीप द प्रॉपर रिकॉर्ड्स. ठीक है, सो रिकॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अकाउंटेबिलिटी के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए और इम्प्रूवमेंट करने के लिए. गॉट इट. नेक्स्ट, इन एडिक्वेट कम्युनिकेशन विद द कॉन्ट्रैक्टर. ओके, साइट के ऊपर ये बेसिक प्रॉब्लम होता है कि कॉन्ट्रैक्टर से हम बात ही नहीं करते, कम्युनिकेशन ही नहीं करते साइट इंजीनियर वाले. तो यहाँ पे कंडक्ट रेगुलर मीटिंग्स टू रिव्यू प्रोग्रेस, टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स, टू अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर. ओके, सो यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप को अगर फुलफिल करना है, कम्युनिकेशन गैप को अवॉइड करना है, तो रेगुलर मीटिंग्स को कंडक्ट करना है. प्रोग्रेस रिव्यू क्या है, चल रहा है साइट के ऊपर, कौन कौन से प्रॉब्लम्स आए थे, उसको किस तरह से रिजॉल्व करना है, और जितने भी आपस में आप काम कर रहे हैं उनको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसलिए आपस में बातचीत होनी बहुत ज़रूरी है. ठीक है, नेक्स्ट. अब पुअर और नो मैनेजमेंट एट द साइट वर्क, ये हर एक साइट के ऊपर आप देख सकते हैं कि पुअर और नो मैनेजमेंट एट द साइट वर्क, वर्क साइट के ऊपर ऐसा ये मैनेजमेंट थोड़ा सा कम दिखता है. सेफ्टी फॉर द वर्कर्स एंड जनरल पब्लिक, ये तो बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म होती है हर एक साइट के ऊपर, लेकिन ये कभी कभी अवॉइड की जाती है. तो यहाँ पे क्या करना है, साइट मैनेजमेंट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर सेफ्टी एंड पब्लिक कन्वीनियंस. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि साइट के ऊपर, कभी कभी आप साइट के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे एक गेट के ऊपर ही बड़ा का पूरा शेड होता है, वहाँ पे सेफ्टी मेजरमेंट्स होते, हेलमेट होता है, गॉगल होता है, जूते होते हैं. ठीक है, तो ये सारे सेफ्टी मेजरमेंट्स साइट इंजीनियर वहाँ पे साइट मैनेजमेंट के वहाँ पे होने ही चाहिए. साइट मैनेजमेंट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर सेफ्टी एंड पब्लिक कन्वीनियंस, नीड लिटल एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू गाइड द कॉन्ट्रैक्टर्स साइट इंजीनियर्स. यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा साइट इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर्स के जो भी साइट इंजीनियर्स होते हैं उनको गाइड करना उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है. एंड वर्कर्स ऑन स्टोरेज, जो भी वर्कर्स स्टोरेज मटेरियल्स के लिए, मटेरियल्स स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स में काम कर रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरत है. इक्विपमेंट, टूल्स एंड क्लीनिंग अप ऑफ साइट आफ्टर द डेज वर्क. ठीक है, जो भी आप काम कर रहे हैं, जैसे कि कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है, लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू गाइड द कॉन्ट्रैक्टर साइट इंजीनियर्स, साइट इंजीनियर्स को कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी साइट इंजीनियर्स उनको गाइड करना है. उसके बाद एंड ऑन स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स, जहाँ पे मटेरियल स्टोरेज कर रहा है वहाँ पे भी. इक्विपमेंट, जो भी कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं टूल्स, इक्विपमेंट. क्लीनिंग अप ऑफ साइट आफ्टर अ डेज वर्क, जो भी काम उस दिन में ख़त्म होता है तो वहाँ पे क्या करना है, उसको क्लीन करना है. नेक्स्ट, व्हाई क्वालिटी इज इम्पॉर्टेंट. ओके, बिकॉज क्वालिटी हैम्पर किस तरह से होते हैं, सेफ्टी. ठीक है, सेफ्टी इज सेंटर पार्ट ऑफ द क्वालिटी. ओके, सो यूटिलिटी, इकोनॉमी, एस्थेटिक एंड कंफर्ट, दीज आर द फाइव पैरामीटर्स ऑफ द क्वालिटी. सो इट शुड बी मेंटेन ऑन द साइट. ओके, नेक्स्ट, द रूट लेवल, द रूट ऑफ ऑल लेवल्स. अब रूट जो भी विल, जो मेन कॉज क्या है, तो सबसे पहला है निग्लिजेंस. निग्लिजेंस कहाँ पे होता है, नॉन कंप्लायंस टू द स्पेसिफिकेशंस. वॉट एवर द स्पेसिफिकेशंस गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट, इफ़ इट इज़ नॉट कंप्लायंट, अगर वो फुलफिल नहीं हुए तो वहाँ पे अगर निग्लिजेंस किया तो क्वालिटी में हैम्पर हो सकता है. नो टेस्टिंग मटेरियल्स एंड सिस्टम बिफोर और आफ्टर यूज़. जो भी इक्विपमेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी मटेरियल्स आप यूज़ कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के लिए, उसको टेस्टिंग ही नहीं कर रहे हैं.
ठीक है, ये भी एक कॉज हो सकता है. पुअर सुपरविजन, दिस इज द मेन रीजन ऑफ क्वालिटी. सो पुअर सुपरविजन इज अनदर निग्लिजेंस एंड इट इज, दीज आर द रूट ऑफ ऑल द इविल्स ओ टू हैम्पर द क्वालिटी ऑन साइट. या वॉच दिस, सी दिस, हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. ओके, नाउ हियर ओवरऑल स्ट्रक्चर इज फेल्यूअर. ओके, नाउ इट विल हैपन इफ देर इज पुअर सुपरविजन. ओके, इफ देर इज नो टेस्टिंग ऑन द साइट materials. See this, this is the one of the example of poor quality. Okay, now you need to see, you need to read every documents on the site, every, you need to read every construction, analyze all the construction documents before going to start your work. You need to check each and every activity on the site so that it will not happen. See this. Okay, this is the indication of bonding failure. There is no bond between the bricks and the materials. Okay, application of inappropriate cement mortar ratios. This is the main cause of this failure. Improper placement of masonry cores. Okay, and weak connections between the bricks and it will happen like this if it is not properly utilized. Another term, okay, bahar se to acha dikh raha hai lekin andar sab aisa hai. What will happen? It is again due to bonding failure. It is the indication of bonding failure. It is the application of inappropriate cement mortar ratios, wrong placement of masonry cores and weak connections between the bricks. Okay, now next is, who is the responsible for this? Again here, bonding failure, application of inappropriate cement mortar ratio and mistaken placement of masonry cores. See this, these are the best examples of poor quality. See this, how beam, how column is failure here. Who is the responsible for this? We are all site engineers. Okay, now here beam is totally bent. Here material is totally collapsed. Okay, so checking is very important term. Now see this, who is responsible for this? Now here is the ATM, who ATM se paise nikal rahe niche baith ke, yahan pe haath hi nahi pahunch raha hai. Ye kiski matlab kon iske liye responsible hai? Okay, now see this, how to manage this toilet? Kon use karega aise toilet ko? Okay, see this. कैसे करेंगे? सी दिस, कहाँ जाएं, किस तरह से जाएं, यहाँ से फेल हो गया ना. अब यहाँ पे देखो तो ये दिस इज द वन ऑफ द मेन एग्जाम. किस तरह से एग्जाम्पल ले कि यहाँ पे किस तरह से उन्होंने मेंटेन किया है, कि देख सकते हैं आप, हंसी आ रही है मुझे ये देख के. नेक्स्ट, अब ये क्या करेंगे इस कैमरे का? ऐसे रोना ही पड़ेगा अगर आपने अच्छे से काम नहीं किया साइट के ऊपर, तो इस तरह से यह हालत हो सकती है. ओके, सो वेर एवर यू वर्क ऑन द साइट, जस्ट चेक. चेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सुपरविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी वर्क शुड बी सुपरवाइज्ड इफेक्टिवली एट द साइट. ओके, नाउ दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट नोट्स ऑन द कंस्ट्रक्शन क्वालिटी. क्वालिटी इज नॉट सेपरेट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन. अब आपको पता चला कि क्वालिटी इट इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट. क्वालिटी कंस्ट्रक्शन का इंटीग्रल पार्ट है. यह हर एक कॉन्ट्रैक्टर, हर एक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में काम करने वाले पर्सन की जिम्मेदारी है. क्वालिटी इज नॉट ओनली ऑन द एंड प्रोडक्ट आफ्टर कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन. क्वालिटी not only on the end product after construction. Construction होने के बाद का part नहीं है. It is in the process during construction. Construction शुरू होते 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 जो चल रहा है वहाँ से ही quality maintain होना चाहिए. Quality assurance and quality control होना ही चाहिए on site during the construction. Ensuring quality is everyone's responsibility. याद रखें, हर एक को ये पता होना चाहिए कि हर एक particular activity की quality की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, जो भी उस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में काम कर रहा है. द सर्वेयर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिज़ाइनर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सप्लायर्स भी है और सुपरवाइजर्स भी है इसमें आते हैं.
ठीक है, गॉट इट? बट इट इज़ मोस्टली इन द हैंड्स ऑफ द बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर. ये सब कुछ चीज़ जो है किसके ऊपर डिपेंड है, किसी के हैंड में है. इट इज़ ऑल ऑन बिल्डर एंड कॉन्ट्रैक्टर. ओके, गॉट इट? नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रॉब्लम्स अराइजिंग ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क एंड वॉट कैन बी डन ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट इफ दैट प्रॉब्लम्स विल बी अराइज. I hope you understood all the concepts regarding the subject, regarding this topic. Okay, if you have any query, ask me in the comments. Okay, got it? See you in the next lecture.